बस अब हम निकले हैं तुरुबी की ओर। अदुबला मार्केट पूरा हमने घूम लिया और तकरीबन यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है तुरुबी। रोड की बैंड बजी हुई है तो नहीं पता टाइम कितना लगेगा। हमारी कैब भी फुल है और चलो अब हम आपसे मिलेंगे तुरुबी की ओर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हैमर विलेज और ये है हैमर का है। लंच के लिए जा रहे हैं, पहले साला 4 बज गए यहाँ के, अब लंच हो रहा है। ऐसी गंदी रोड है पूछो मत यार। तो 60 किलोमीटर तय करने में हमको लगभग 3-3.5 घंटे लग गए। रोड की लगी पड़ी है और ये पूरा तुरुबी विलेज जो हैमर ट्राइब का मेन गढ़ बोलते हैं उसको। ये भी गोबर और मिट्टी से लेके घर बनते हैं। पता नहीं लंच में है क्या खिलाएगा। ये मेरी एक बॉडी को गार्ड करने के लिए 3-3 बॉडी गार्ड। तुरुबी ये देख लो भाई, इतना पैसा लगा के ये दिखाया कर। अरे इधर आज भी डेवलपमेंट बोल के कुछ भी नहीं है। अभी इन्होंने स्मार्टफोन नहीं देखे। So your name? My name is Oita. Hmm? Oita. 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 Okay, Oita. I'm from Turmi. Turmi. From Hammer tribe. Yes, इसका नाम Rohita है, Hammer tribe का। ये अब्राहम का दोस्त है, मैं रिसीव करने आया है और हम लोग वेट कर रहे हैं लंच का। तुरुबी एक छोटा सा गांव है तो यहाँ कुछ ज़्यादा खाने के ऑप्शंस नहीं थे, तो अब्राहम एक छोटे होटल में ले आया और टाइम भी ऐसा था कि यहाँ कुछ हमें मिलने वाला था नहीं। मीनू में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं ऑर्डर कर सकूं, तो थक हार के ये फालतू वाली स्पेगेटी मैंने ऑर्डर की जो एकदम यूजलेस थी। तो ये पहुँचा हूँ मैं तुरुबी टाउन के अंदर, कोई विलेज है, नाम नहीं बताया मेरे को। जो था ना वो लड़का ओरियो बिस्कुट वाला, उसका ये मदर का घर है ये वाला। और आज हम लोग यहीं तंबू लगाएंगे। ये हमारा तंबू आ गया, वो लेने गया उन्हें अब्राहम और को, और छोड़ गया मुझे इस गांव में। ये देखिए साला शूटिंग करने में फट रही है, और साथ में आ जाए अब्राहम सब आधे साला खुल के शूटिंग करता हूँ। ये छोटा सा गांव, ये हैमर गांव है, पूरा हैमर ट्राइब के लोग रहते हैं। और ये मैं खड़ा था तो अंकल ने, ये मेरे ख्याल से ओरियो के फादर हैं, उन्होंने लगे ये ट्रेडिशनल चेयर दी है, दिखाऊंगा अभी। वो छोटी वाली चेयर जो ये हमेशा लेके घूमते हैं ना, वही चेयर है। लेकिन चलो आदिवासी है, लेकिन इतनी तो इनमें है कि अगर खड़ा है तो बैठा दो तुम। ये देखिए पूरा हैमर ट्रैवल एरिया। एक्चुअली वीडियो कम और डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे लगने लग गई मेरे को भी। ये देखिए ये है चेयर, ये हमेशा लोग कैरी करते हैं साथ में। ये लोग अफोर्ड करी, बड़ी बहुत कंफर्टेबल है बैठने में। वैसे ऐसे लगा जैसे कोई अपने ही गांव में बीकानेर में कहीं पे हूँ। वो आ गया अब्राहम को लेके ओरियो। मतलब लोग यहाँ के यार मस्त है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जितना हम लोग दूसरे यूट्यूब पे देखा है ना, डरा रखा है।
अच्छा अभी तक यार कुछ नहीं हुआ, चोरी चकारी जरूर है, लेकिन यार ये ट्राइबल वैसे बहुत पीसफुल हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मार देते हैं कर देते हैं। इसके पापा ही हैं। बट वेरी कंफर्टेबल यार। What she is cleaning for? Yeah. Tent. So ये लगा रहे हैं कैंप आज के स्टे के लिए, और ये है ओरियो की माँ, और ये देखिए आंटी ने फटाफट यहाँ का जो ग्राउंड था साफ कर दिया हम लोगों के लिए। बस यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, लैंग्वेज नहीं आती, और बिना अगर किसी आप लोकल के आते हो ना तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। तो यहाँ अगर आते हो तो कोई ना कोई लोकल यार साथ में ज़रूर रखो, ताकि थोड़ी ईजी रहता है, और यहाँ अगर आपके लाओगे तो आपके फटके चार ही रहेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग मुश्किल देखने मिलेंगे आपको। हालांकि वो देखने में थोड़ा सा खूंखार है, लेकिन यार मन में डर लगता ही है, तो इससे बेटर है किसी को लोकल लाओ। और यहाँ आ रहे हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अब्राहम का नंबर डाल दूँगा, तो आप अब्राहम को हायर कर लो, सही बंदा है। क्योंकि ना इतने ये एकदम रिमोट एरिया है, मतलब यहाँ अगर आप गूगल मैप भी खोलोगे ना तो भी मना कर देगा, अगर रास्ता ही नहीं है आप जिनका से अगर तुरमी का रास्ता अगर गूगल पे देखेंगे ना तो मना कर देगा कि रास्ता ही नहीं है। तो मतलब बहुत यार ये रिमोट एरिया, यहाँ पे नहीं मिलता कुछ भी, और लैंग्वेज का तो खैर ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, और इन लोग अगर थोड़े इतने बहना क्या देखने में, तो इससे अच्छा है भैया थोड़ा पैसा लगेगा, सेफ रहोगे, कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी, और ये कि आगे से आगे अपनी सेटिंग होती है, तो आपके लिए सब अरेंजमेंट करते रहेंगे। देखिए मैं आया तो साथ में ही, देखिए यहाँ जगह उन्होंने बोल रखा था, अम्मा ने साफ कर दी, टेंट वेंट आ गए, खाना वाना सब, तो ठीक है थोड़ा साथ है वो, थोड़ा सा खर्चा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम तो निकाल लेंगे कंपनी से अपने, लेकिन अगर आपको जेब से लगाना है तो थोड़ा सा कर लो, एटलीस्ट टूर स्पॉइल नहीं होगा, और इथोपिया ऐसी जगह है नहीं जहाँ लाइफ में बार बार आओगे, तो कर लो भाई क्या है। ये देखिए सनसेट, ये पूरा तुरमी विलेज बहुत शांत है, लोग वाग है नहीं, और अभी अब्राहम बता रहा था ना ये सारे लोग यहाँ से क्या है बाहर निकल जाते हैं इस टाइम पे, मतलब सुबह कुछ बीच नहीं करने यार, अभी धीमे धीमे सब आएंगे तो यहाँ चहल पहल हो जाएगी। पहले हम यहाँ सुबह आ रहे थे तो मना कर देते, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मिलेगा नहीं,
तो हम थोड़ा सा स्टे करते करते अब 6 बजे के आसपास पहुँचे हैं यहाँ पे। एकदम मतलब बीकानेर के पास की जो ढाणियाँ है ना, वैसा सा फील आ रहा है जैसा कोई मैं बीकानेर में कहीं पे हूँ। बस अगर ये यहाँ के लोग ना हो ना तो कोई कह नहीं सकता कि मैं बाहर हूँ या बीकानेर हूँ। ये बाड़ा यहाँ ना हर ये जो हैमर में क्या है ना कि हर फैमिली के पास में बकरियाँ होनी बहुत ज़रूरी है। बकरी यहाँ मतलब स्टड संबल टाइप से है यहाँ पे, जिसके बाद जितनी बकरी है वो उतना यहाँ स्टेटस वाला ऐसा है यहाँ पे। ये आ गया ओरियो, इसी की फैमिली हमें होस्ट कर रही है। सही बंदे हैं यार, मतलब मस्त हेल्पफुल बंदे हैं। पता नहीं अच्छा अंडा उंडा बनाएंगे तो उस लेके आए। सब तैयार हो गया हमारा झोपड़ा। देखो जैसे ही सनसेट होने की तैयारी हुई और ये सारे पशु अपने अपने बाड़े में आने लग गए हैं, तकरीबन टाइम हुआ था 6:30 के आसपास का। और देखिए सूरज अस्त होने की तैयारी पे है और ये सारे जो भी इनके पशु हैं, इनका जो पशु धन है, ये वापस अपने बाड़े में आ गया। अब ये इनको बाड़े में डाल के इसको बंद कर देंगे, क्योंकि रात को यहाँ के जंगली जानवर भी आते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी संख्या में इनके पास में पशु धन है। सूरज की लालिमा अस्त होने की तैयारी पे। देख लो भाई कहाँ से कहाँ आ गए। बस अभी हम आए हैं तुरमे के एक लोकल बियर बार में। यहाँ की लाइफ यही है कि बस दिन भर काम करो, रात को बियर बार में जाओ, बियर टिकाओ, डांस करो, आके सो जाओ। ये ओएटा अब्राहम बरकत और भाई एक एक बंदा तकरीबन 10-12 बोतल बियर पीता है। ये देखिए अभी सब लोग डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं। देखिए ये तीनों ने मिलके बोतल खाली करी है। अभी रात को यहाँ 2-3 बजे तक बियर पियेंगे, फिर जाके सो जाएंगे, सो उठेंगे वापस काम लग जाएंगे।
अभी भी तकरीबन रात के बजे हैं 2, और देखिए यहाँ लड़की है लड़कियाँ, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। कहते हैं आदिवासी हैं लेकिन वैसे काफ़ी सेफ है ये लोग, मस्त के दारू के मजे ले रहे हैं। 12 12 12 15 15 बोतल पीने के बाद भी देखिए होश में है अभी। चलो तो यहाँ आज का वीडियो समेटते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।